नमस्कार, आप सस्काल में हूँ राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक का हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रहता है। और खासकर अगर बात की जाए तो इस समय हम पाटा दुरिया की बात करें तो वहां से लाइव हमारे सीनियर संवाददाता अगर बात करें और सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहां के राही कपूर जी, तो हमसे जुड़ने जा रहे हैं। जी राही जी, बताइए इस समय की सूरत हाल क्या है? राकेश जी, मैं बताऊं कि लगातार आज सातवें दिन भी जो है आतंकियों के साथ सेना की जो है वो मुठभेड़ जारी है। अगर इससे पहले की बात करें तो बीकेजी का इलाका था जो वहां पर जो है पांच जवान जो है वो शहीद हुए थे 11 तारीख को। उसके बाद लगातार पूरे एरिया को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और उसके साथ की अगर बात करें तो फिर उसके बाद आतंकियों के साथ जो है सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ जो है वो बाटा दुड़िया में शुरू होगी, जो कि मेंढर सेक्टर के अंडर आता है। और लगातार जो है आज चौथे दिन जो है हाईवे जो पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और लगातार सेना की और आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जी जी राही जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार फायरिंग जारी, मुठभेड़ जारी है, और खासकर अगर बात करें तो सात दिन से जो ये इनकाउंटर जो कि आतंकियों के बीच जारी, और कहीं ना कहीं जो है ये अगर मुठभेड़ जो है दिन ज्यादा ले रही है, इसका कारण क्या है? देखिए राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये घना जंगल है। हमेशा आतंकी क्या करते हैं, इन इलाकों की पनाह लेते हैं और वहां पे कुछ नेचुरल केव हैं और साथ में कुछ ऐसी चट्टाने हैं जिनका सहारा जो है उनको मिल रहा है। और घना जंगल होने की वजह से तभी सुरक्षा कर्मियों को जो है वो काफी ये ऑपरेशन जो है वो देरी से लंबा खींचना पड़ रहा है, क्योंकि सुरक्षा बल चाहते हैं कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन पूरा प्रयास जो है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो नजर रखी हो, लेकिन आज सुबह जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों के साथ फिर से जो है कॉन्टैक्ट हुआ सेना का और लगातार जो है वो गोलाबारी की जा रही है। घना जंगल होने की वजह से तभी ऑपरेशन लेट हो रहा है। वगैरह हमारे सेना के जवान जो है वो पूरा मतलब की पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो जल्द इन आतंकवादियों को जो है वो खत्म करेंगे। जी जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमारे जो कि जवान शहीद हुए, डीआईजी जो कि विवेक गुप्ता जी का कहना था कि दो ढाई महीने से हम इनको ट्रैक कर रहे हैं और खासकर इन जंगलों में हम सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, और बाद में एक बड़ा हादसा हुआ और हमारे जवान शहीद हुए, और इस समय की अगर बात की जाए तो क्या वहां कोई रिहायशी इलाके भी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश, ये एक दुखद खबर है कि हमारे सेना के जो है वो नौ जवान जो है इसमें शहीद हो गए, जिनमें दो जेसीयू रैंक के थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से डीआईजी रजौरी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता ने ये स्पष्ट कहा है कि पिछले दो से ढाई महीने में जो हमारे सुरक्षा एजेंसी है और उनके इनपुट के आधार पर हम लगातार जो है इनका पीछा कर रहे हैं और तीन चार बार उनके साथ कॉन्टेक्ट भी हुआ है, और ये लगातार मतलब की हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, दुखद खबर है कि हमारे जवान जो है शहीद हुए। लेकिन जो भी आतंकी छिपे हुए हैं, सेना और सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको ढेर करने की जो है वो यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जी अगर बात की जाए तो इस समय यातायात जिस तरह से बंद किया गया है, और मेन हाईवे में भी अगर बात करें तो एक तरफ से जो कि हमें जो कि रिहायशी इलाके भी बीच दिखाई दे रहे हैं, और खासकर अगर बात की जाए तो रोड को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि ताकि कोई हादसा ना हो, और मुठभेड़ में गोलाबारी इस समय भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पे कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है मिलिटेंट्स के साथ, वो जो एरिया है बिल्कुल हाईवे के साथ का एरिया है, हाईवे के साथ का जो जंगल है वहां पे है। और हमेशा सुरक्षा बलों का ये प्रयास रहता है कि किसी मतलब कि किसी किस्म की चूक ना हो या किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो किसी सिविलियन का। इस वजह से जो है जम्मू पुंछ राजमार्ग को जो है वो पूरी तरीके से ठप किया गया है, बंद किया गया है। बीजी से लेकर जड़ा वाली गली तक बिल्कुल जो है इस पूरी रोड को जो है बंद रखा गया है। और यदि कोई एसेंशियल या इस तरीके की कोई आपातकालीन कोई इस तरीके की अगर कोई संभावना बनती है, कोई वो लोग जाते हैं तो उन पे भी प्रॉपरली नजर रखी गई है और उनको जो है चेक करके उनका सारा जो है उसके बाद उनको छोड़ा जाता है, क्योंकि बिल्कुल हाईवे के साथ का वो इलाका है। और कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि अगर हाईवे बंद ना करें तो इस वजह से कि आतंकी किसी मदद या किसी की आड़ लेकर जो है कि वो निकलने का प्रयास ना करे, इसलिए हाईवे को जो है वो प्रॉपरली बंद किया गया है। जी राही जी, आपका कहने का कथन कि हाईवे का बंद करने का हमारी सिक्योरिटी फोर्स का एक ही मकसद कि कहीं ना कहीं वो निकले में कामयाब ना हो और खासकर हमारी जो सिविल जनता है उसका कोई नुकसान ना हो, अगर बात की जाए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल जी
जी राकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा बल, क्योंकि सबसे पहले उन्हें मतलब कि जिस तरीके से चाहे अगर बात करें तो सुरक्षा बल हमेशा ये चाहते हैं कि वो तो आतंकियों से लोहा लेते हैं, लेकिन उनका प्रयास रहता है कि अपनी आवाम, अपने जितने भी लोग हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए सुरक्षा बल हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी हर संभव मदद के लिए हमेशा भारतीय सेना जो है वो खड़ी रहती है। जी अगर बात की जाए तो जिस तरह से कांटेक्ट में आए और सूत्रों के अनुसार कितने से कितने आतंकी हो सकते हैं? देखिए राकेश जी, ये कोई पिन पॉइंट या एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता। हालांकि सूत्रों की अगर माने तो लगभग 3 से 4 लोग जो है वो हैं और इससे अधिक भी संख्या हो सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है। तो ये सिर्फ अनुमान अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है और कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इनको जल्द से जल्द जो है वो ढेर किया जाए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो कि राही कपूर जी, उन्होंने हमें ग्राउंड रिपोर्ट दी और आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स लगातार उन पर जो है फायरिंग करती हुई मुठभेड़ जारी है और जल्द ही हमारी जो कि आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्स है, जल्द ही उन पर काबू पाएंगे और उन्हें ढेर करेंगे। खासकर अगर बात की जाए तो यातायात बनने का जो बंद किया है उसका एक ही कारण है कि कहीं हमारी जनता सफर ना करे। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।